मुख्यमंत्री योगी जी का वो बयान याद आ रहा है कि प्रदेश में एक भी गुंडा और अपराधी तत्व नहीं बचेगा, या तो उसका एनकाउंटर होगा या जेल में होगा या यूपी से बाहर जाना होगा। उस बयान को सार्थक करते हुए योगी सरकार की पुलिस ने कमर कस लिया है और सभी गैर कानूनी काम और कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से सभी अराजक लोग सकते में हैं। अभी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन चुन चुन कर अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्तियों को नेस्तनाबूद कर रहा है। अतीक की अब तक 13 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है, जबकि उसके गुर्गों की 4थी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज अतीक के खास शूटर राशिद का बेली रोड पर आलिशान मकान को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि अतीक के इस गुर्गे ने राजकीय औस्थान की जमीन पर कब्जा करके आलिशान कोठी बनाई थी। इस घर पर बुलडोजर चलने की खबर जैसे ही फैली, उनके घर की महिलाएं नारेबाजी करने लगी और सड़क पर धरने पर बैठ गईं। परिवार का आरोप है कि उनके घर को जबरदस्ती गिराकर उनको बेघर कर दिया गया है। मामला कुछ नहीं, इन्होंने हमें अतीक के आड़ में, मुसलमान है हमारा गुनाह है यही, अतीक के आड़ में हमें झूठा फंसा के हमारा अतीक से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमारा घर गिराया कि हमारे बाप दादा अतीक के साथ काम करते हैं, हमारा अतीक से कोई मतलब नहीं है। यह अतीक के आड़ में मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने ये घर इल्लीगल बताया, ये घर इल्लीगल नहीं है। हम एक एक घर में 20-30 लोग रहते हैं, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे? हमको जब तक अपना अधिकार, हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारी योगी गवर्नमेंट की भरपाई नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारा पूरा खर्चा पानी इसी घर से चलता था सारा। इन्होंने हमारा घर तोड़ लिया और अतीक के आड़ में फंसा के हमारा घर तोड़ दिया। क्या ये हमें घर वापस दे कि हम कहाँ जाएंगे? हमें अपना घर चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। एक घर तो उसमें 20-30 लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? ये हमें घर देने के लिए तैयार है। अब क्या चाहती है तुम लोग? हम कहाँ जाएंगे? आप खुद ही बताइए, अगर मेरा घर तोड़ दिया गया हम कहाँ जाएंगे, किसके घर में रहेंगे? वहीं विकास प्राधिकरण का कहना है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। ये अपराधी हैं बेली गांव के श्री राशिद, उनके द्वारा राजकीय स्थान की भूमि भी कब्जा करके 2 मंजिला अवैध निर्माण करवाया गया। तो आज पॉइंट ड्राइव चल रही है प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजकीय स्थान विभाग की प्रेजेंस में इसको ध्वस्त करवाया जा रहा है। इसी रोड पर आप आगे चलेंगे तो एक कुख्यात अपराधी हैं, 2 तम्मो एवं जावेर, उनके द्वारा भी राजकीय स्थान की भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराया गया, तो उसको भी नियमानुसार ध्वस्त करवाया जा रहा है। जी हाँ, ये सब कुख्यात अपराधी हैं और इनका ताल्लुक सब आपस में। लगभग 1.5 दर्जन, लगभग 18। मैं एग्जैक्ट इस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।